40 के बाद पैरों में, गांठों में यूरिक एसिड और तमाम ऐसी वात संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सूक्ष्म क्रिया और आसन करना चाहिए। ये जानु सिरासन एक ऐसा आसन है जो स्किन को बहुत सटीक रखता है और हमें पूरी तरह से आज़ादी दिलाता है। आपको अपने पैरों को छूना, सांस को बाहर निकालना और पेट के स्नायु तंत्र को मजबूत करना जानु सिरासन का बहुत अहम रोल है। और अब ये लेटते हुए और पूर्ण रूप से आप उत्तान पादासन 30 डिग्री पे अपने पैरों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है और हमें इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान देना है कि 30, 60 और 90 डिग्री पे हमें यह पूर्ण रूप से हमारे पैर की स्नायु तंत्र और कमर की स्नायु तंत्र को प्रबल करता है। हम ये अर्धहलासन करेंगे, पैरों को हमने आसमान की तरफ उठाया है और तब पाएंगे कि कैसे हम पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे पैर के लचीलापन, ये चक्रीय अपने पैरों के नसों को ढीला करने के लिए, अपने पैरों में स्नायु तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये अद्भुत है आपके लिए। और हम इसको नौका आसन पूर्णतः ये प्रभावित करता है। और नौका आसन करेंगे तो आपके पेट के पैंक्रियास का सक्रिय होना तय है। डायबिटिक्स पेशेंट इसको बहुत ही ज़रूरी मानक से करना चाहिए। और ये सेतुबद्ध एक ऐसा आसन जो आपको पूरी तरह से पेट के बीमारियों को दूर करता है, खासकर गर्दन में, शोल्डर में, गैपिंग में, रीढ़ के स्नायु तंत्र को मजबूत करने का काम करता है और इसमें घुटने का भी अहम रोल होता है। और अब हम मरकट आसन, बहुत ही प्रभावशाली है, पुराना से पुराना कमर दर्द इससे धराशाही होता है। मरकट आसन अगर आप 6-6 बार प्रतिदिन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, हमारे संपूर्णता में आएगा, हमारे शरीर की उद्दलित वातावरण का प्रखर बिंदु बनेगा और हमें इसको इसी तरह से करना चाहिए ताकि घुटना घुटने पर, एड़ी एड़ी पर, पंजा पंजे पर। और फिर हम इसका दूसरा स्वरूप अपने घुटने को एड़ी से टच करने की कोशिश और पूरी तरह से आपकी जो मोटी नसें हैं, जो रक्त तंत्रिका है, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और संपूर्णता की ओर हमको ले जाता है। आइए हम लोग इसको बढ़िया तरीके से छोटे छोटे आसनों से अपनी शुरुआत करें और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की परिकल्पना हम कर सकते हैं। योग बहुत शक्तियों से परिपूर्ण है। पवन मुक्तासन एक कुपित वायु दोष को मुक्ति देता है, आपके कफ के विकार को खत्म करता है और पवन मुक्तासन हमें संपूर्ण पेट के रोगों से आज़ादी दिलाता है, मोटापे से आज़ादी दिलाता है। और पवन मुक्तासन करने से हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है। ब्रेन में मटर के दाने के बराबर जो ग्रंथि होती है उसको सक्रिय करता है और यह हमारे बाजुओं को पुष्ट करता है। हमारे होने वाले स्नायु तंत्र, रक्त के परिसंचरण को भी जहां रुकावट है उसको ठीक करता है। और इस तरह से हम एक संपूर्ण लाभ और पूर्ण रूप से अपने शरीर में रोगों को, व्याधियों को नष्ट करते हैं। हल आसन देखिए, बहुत ही अद्भुत आसन है, हार्ट के लिए, लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए। और
ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए ताकि ये हमें एक संपूर्ण लाभ मिले। तो ये हम ध्यान देंगे, फिर इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे और बहुत अच्छा, और आप देख सकते हैं और थोड़ा सा भुजंगासन की पोजीशन, थोड़ा सा आराम करते हुए अपने पैरों को थोड़ा सा हिला डुला लिया और ताकि हमारा शरीर फिर से नॉर्मल हो जाए और हमें भुजंगासन करने के लिए दोनों पैरों को हमने सटीक कर लिया। और एक सूक्ष्म क्रिया है ये, अगर आप पैरों को उठाते हुए और एक संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। भुजंगासन सबसे आपको अद्भुत आसन माना जाता है। भुजंगासन से आपको एक संपूर्ण सुरक्षा तंत्र तैयार होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है और ये तभी संभव है जब हम इसको 5-6 बार करते हैं। शलभासन देखिए, दोनों पैर उठा लेना अपने में ही बहुत सुखद है, नाभि तंत्रिका को पूरी तरह से प्रभावित करता है और संपूर्णता की ओर ले जाता है। पेट के रोग इसमें पूर्ण रूप से खत्म होते हैं और इस तरह से शलभ आसन, उसके बाद हमने ये भुजंगासन को संपूर्ण दिया और ये हमारा भुजंगासन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। बाजू पूरी तरह से खुल गया, पैर दोनों मिले हुए, आसमान में निगाहें और रीढ़ की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है ये भुजंगासन में। और भुजंगासन आपको इसी तरह करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। हमें, हम और आप इसको जरूर से करें। और धनुरासन और धनुरासन पूर्ण रूप से हमें प्रभावशाली ढंग से पूरी तरह से व्यवस्थित करता है और हमारे इस सूक्ष्म क्रियाओं से ठीक करने की कोशिश करते हैं। राजकुमार जी का फोन आ रहा है, जरा देखिए क्या बात है, वो कहिए कि बस तुरंत आ रहे हैं। सुखासन में, ये सुखासन एक ऐसा आसन है जो आपके इंस्टेंटली आपको आराम देता है और लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ती है। और हमें फिर मकर आसन में हम लेट गए और हमारे स्नायु तंत्र स्थिर होने लगते हैं, धीरे धीरे प्रभावशाली होने लगते हैं और थोड़ा सा इसको हम सीखते और करते हैं। तो आप और हम सभी लोग इसको ठीक से करें और पैरों के स्नायु तंत्र को प्रबल करें। वृषासन, ये आपका बिल्कुल एक ऐसा आसन है जो गोमुख आसन लगाते हुए इसको हमें एक पाद आसन कहा जाता है इसको, और एक संपूर्ण आपके पेट की गतिविधि, पैंक्रियास की गतिविधि बहुत प्रभावशाली ढंग से ये ठीक करता है। ये हमारे लिए अति सुंदर आसन माना जाता है। ये आप आसन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा इसका कमर में और पैरों में होता है। ये है पद्मासन में भूमि नमन आसन, जो बहुत अच्छा पेट को बहुत प्रभावशाली ढंग से ये ठीक करता है। पेट में होने वाली दिक्कतों को, चेस्ट को, पीठ के और ये सारी चीज़ों को ठीक करता है। और पद्मासन अपने में एक बहुत ही बड़ा आसन है और उद्दलित वातावरण करता है, चक्रास पावर को एनर्जी देता है और हम देख पाते हैं कि ये हमें क्यों प्रभावशाली बनाता है। शवासन,
सारे आसनों को करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, शीतलता जरूरी है, ताकि ऊर्जा में हम परिवर्तित हों और ऊर्जा हम करते रहें और तब हम ये प्रभावशाली ढंग से अपने को बना सकते हैं, अद्भुत कर सकते हैं। आइए थोड़े दिनों के लिए और शुरुआत करते हैं और शुरुआत से अंत की ओर चलते हैं अपने ब्रह्मांडी ऊर्जा को पाने के लिए। और संपूर्णता शरीर का सर्वांगिक विकास अगर कोई कर सकता है तो वो योग के माध्यम से कर सकता है, और हमें योग एक संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। और ये ऊर्जा आप तभी समझ सकते हैं जब हम प्रभावशाली ढंग से इसको एक संपूर्ण उसका वातावरण बनाएं। पैरों को हिला डुला लिया और थोड़ा सा ठीक कर लिया, ताड़ासन कर लिया लेट के। और ये देखिए पूरी नसों को खींचना बहुत ज़रूरी है और ये आपको प्रभावशाली ढंग से ठीक करता है।